बाग कासिम है, यहाँ करीब करीब 1 करोड़ रुपये का बजट डाला है, जिसमें 5 रोड बनने हैं। एक मेन रोड है जो उस किनारे से लेकर के इसको पूरा करना है, और 4 गली दरमियान में एक 30 फीट की है, एक 20 फीट की है और 2 10-10 फीट की है, ऐसे ये 5 रोड बनना है। ये पूरा इलाका जो है तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ पर जो है पानी की पाइपलाइन भी नहीं थी, उसका इंतज़ाम किया गया, और उसके बाद जो है अभी यहाँ पर रोड और गटर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अब समझ लो कि रोड का काम हो रहा है, इंशाल्लाह इस काम की तकमील के बाद अगले बजट के अंदर एक बड़ा रोड इसमें बाकी है और गटर का काम बाकी है, इंशाल्लाह वो सारा काम करेंगे। ये एरिया ऐसा है कि यहाँ जो लोग आ कर के बसे हैं, ये पक्के इलाके के रहने वाले थे, जहाँ उनको सारी बुनियादी सहूलतें मुहैया थी। अब वहाँ से जब यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पर जो है ये एरिया जो है रिज़र्वेशन होने की वजह से काम करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, और बड़ी मुश्किल से जो है काम करने की शक्ल बनी, और यहाँ पर जो है अब इंशाल्लाह काम का WBM हो चुका है। 4 रोड का, 5वें रोड का भी WBM हो जाएगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह कंक्रीट का काम होगा, सीमेंट रोड बनेगी। पर अभी शहर का माहौल जो है सियासी माहौल थोड़ा गर्म हो गया अभी, तो सियासी माहौल में यानी इख्तदार में आप है तो नुमाइंदा को, नुमाइंदा आपको ही टारगेट किया जा रहा है, ये क्या वजह है ऐसी? देखो, सियासी इख्तलाफात तो हमेशा बाकी रहते हैं, इसलिए जो है हम कुछ भी कर लेंगे, चाहे वो हमारी हैसियत से ज़्यादा हो, उसके बाद भी लोग मुतमईन नहीं होंगे। टारगेट तो करेंगे, सियासत में तो टारगेट किया जाता है, कोई नई बात नहीं है, और हम भी इस बात को समझते हैं। कुछ ऐसी बातों का भी जिक्र किया गया कि जो बातें नहीं होनी चाहिए थे, आपके इतने करीब थे लोग और वो अचानक आपके बारे में ऐसी बातें करने लगे, तो क्या वजह हो सकती है? इस पर तो मैं अभी कुछ वक्त से पहले बोलना नहीं चाहता, वक्त आएगा तो इंशाल्लाह बोलेंगे। लेकिन आपके इस वार्ड के जो उससे कते नज़र बोलने वाला कौन है, वक्त आएगा सबको इंशाल्लाह जवाब देंगे। स्पोर्ट के तालुक से जैसे उन्होंने कहा कि स्पोर्ट से आपने कुछ नहीं किया, अजीज़ कल्लू स्टेडियम की 4 दीवारी मैंने करवाई है, पूरा मैदान जंगली बबूलों से भरा हुआ था, वो मैंने साफ करवा करके पूरी लेवलिंग करवाई है। अब अगर कोई सबको देखने के बाद भी ये इल्ज़ाम लगाए कि कुछ नहीं किया है, तो ये तो इंसाफ के ख़िलाफ़ है। सर, कुछ लोगों को सियासत में आपने पिकअप करके ऊपर ले गया, आज वही सियासत में थोड़े थोड़े होने के बाद आपके ख़िलाफ़ में बोलने लगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। मालेगांव देख रहा है ना, मालेगांव के लोग देख रहे हैं कि क्या था और क्या हो रहा है। जिन पत्थरों को हमने आता की थी धड़कनें, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। कल चरखा आंदोलन से आपसे गुजारिश की गई है कि अंदर असम्बली के अंदर शहर की इज्जत और विकार के लिए आवाज़ उठाए। देखेंगे इंशाल्लाह, 17 जुलाई से अधिवेशन शुरू हो रहा है, देखेंगे। और ये बात थी कि 12 नवंबर पुलिस के बारे में इतना सख्त रवैया आपका नहीं रहता, ये बार बार कहा जा रहा है, ऐसा क्या है कि मेरे काम करने का तरीका अलग है और लोगों के काम करने का तरीका अलग है। मैं अपने तरीके पे काम करता हूँ और मैं मुतमईन हूँ, समाज भी मुतमईन है, मेरे वोटर भी मुतमईन है। दबदबा बरकरार है। कल महागठबंधन की जिम्मेदारी ही आपके खिलाफ बहुत कुछ बोल चुके, तो आपको लगता है कि महागठबंधन बरकरार रहेगा आगे? महागठबंधन बना था और हमने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बाकी रखा है, लेकिन जो लोग महागठबंधन में थे या हैं, उन्होंने महागठबंधन का नाम छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, शुरू से ही वो जनता दल के नाम पे ही काम कर रहे हैं। आप इस बात को समझ लो, अगर गठबंधन के फेवर में होते या वो लोग गठबंधन में होते तो प्रोग्राम गठबंधन के नाम से करते, लेकिन शुरू से ही एक प्रोग्राम गठबंधन के नाम से हुआ, उसके बाद से सारे प्रोग्राम बरसों से वो जनता दल सेकुलर के नाम से कर रहे हैं।
तो मालेगांव के लोग इस बात को देख और समझ रहे हैं कि भाई गठबंधन है, किनकी तरफ से है और किनकी तरफ से नहीं है। फिर ये समझा जाए कि आपकी तरफ से भी नहीं, हम तो गठबंधन बोल रहे हैं कि गठबंधन है, आज तक हमने गठबंधन के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। लेकिन इतनी तल्खियाँ बढ़ गई हैं तो अब जो है वो उसको जोड़ना, या आपके जो वर्कर है वो भी तो नाराज़ होंगे ना कि आप उनको। वक्त आएगा तो देखेंगे, अभी वक्त तो आने दो।